हाय गाइस, आज का वीडियो मैं अपने वर्क लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। एंड बेसिकली मैं एक ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ। एंड ऑटोमेशन इंजीनियर का मतलब यानी जो चीज़ें भी मैनुअल है अभी वर्तमान कंपनी में, जितनी भी चीज़ें मैनुअली हो रही हैं, उन सारी चीज़ों का टाइम रिड्यूस किया जाए एंड उनको ऑटोमेट किया जाए। एंड ऑटोमेट का मतलब यानी कि हम कोड लिखते हैं एंड कोड लिखने के बाद वो सारी चीज़ें एक रेगुलर टाइम पे अपने आप होती जाए, मतलब जाके किसी को मैनुअली करना ना पड़े। फॉर एग्जांपल कि कहीं पे एक डेटाबेस यानी कि कहीं पे कुछ बहुत सारे डेटा, लार्ज डेटा इकट्ठे हैं, तो वहाँ पे रेगुलरली डेटा अपडेट होता रहता है कि हर दिन एक नया डेटा आके वहाँ ऐड होता है। तो पहले क्या होता था कि पहले लोग खुद जाके वहाँ हर एक रो अपडेट करते थे एंड उसके बाद जाके फिर वो काम चलता था। लेकिन ऑटोमेशन इंजीनियर का काम ये होता है कि वो कोड लिखे, एंड बाय द वे मैं जावास्क्रिप्ट में कोड लिखता हूँ, तो वो ऐसा कोड लिखे कि डेटा जहाँ से भी आने का हो वो ऑटोमेटिक एक पर्टिकुलर टाइम पे आ जाए, आके वहाँ पे पेस्ट हो जाए जहाँ पे डेटा सेव करना है, यानी डेटा बेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ये सब करता हूँ या फिर कोई एनवायरनमेंट डाउनलोड करके लैपटॉप में करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी है। गूगल शीट्स आप सबको पता होगा, लेकिन गूगल शीट्स के अंदर भी कोड लिखे जाते हैं। मैं गूगल शीट के अंदर ही कोड लिखता हूँ। आप लोग अगर कोडिंग सीखना चाहते हैं या आप लोग भी अपने कोड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गूगल शीट से ज़्यादा इजी और कुछ नहीं है, क्योंकि आपको उसके लिए कुछ भी डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। सिंपली अपनी जीमेल से गूगल शीट खोलिए। गूगल शीट के अंदर आपको एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, टूल्स के अंदर स्क्रिप्ट एडिटर का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको जो कोड लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट। एंड इससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी बहुत बचती है एंड आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट कोड प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोड टेस्ट कर सकते हैं एंड आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी को मेल भेजना है या आपका मेल एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे में जाता है, हर मंडे जाता है, हर फ्राइडे जाता है या कुछ भी, तो आप वहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से कोड लिख सकते हैं और ऑटोमेटिक वो आपके जीमेल से चला जाएगा, क्योंकि गूगल शीट आपके जीमेल से कनेक्टेड होगी। आपके जीमेल से ही आप गूगल शीट खोल सकते हैं और बस यही है। एंड अगर आपको और कुछ जानना है कि ऑटोमेशन इंजीनियर के जॉब सिलेक्शन कैसे होता है एंड और क्या क्या काम होता है ऑटोमेशन इंजीनियर में, इस ऑटोमेशन इंजीनियर का फ्यूचर कैसा है, तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक्स अ लॉट।